शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन VCN न्यूज को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्त के अंतिम संस्कार में गए युवक का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। अजनी इलाके के कुख्यात गुंडों की टोली ने 2 दिन पूर्व अपने दूसरे दल के गुंडे का अपहरण कर हुड़केश्वर के जंगल में हत्या कर शव फेंक दिया था। इस घटना में आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी थी। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों को वर्धा रोड से गिरफ्तार किया। इनमें प्रशील जाधव उर्फ मोनू राइडर, ललित रेवतकर मोनू का समावेश है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने 2 दिन पूर्व युवक का अपहरण किया था। इसके बाद से ही अपहृत युवक की हत्या किए जाने का संदेह जताया जा रहा था। क्राइम ब्रांच व हुड़केश्वर पुलिस की टीम को वीरान जगह पर उसका शव मिला। मृतक चंद्रनगर नाइक नगर निवासी सनी दामोदर जांगीर उम्र 20 है। सनी की मां नंदा दामोदर जांगीर उम्र 39 की शिकायत के अनुसार सनी के एक परिचित की अंतिम यात्रा में मारेवाड़ा श्मशान घाट पर गया था, जहां आरोपी प्रशील और ललित ने सनी को मारेवाड़ा घाट के पीछे श्रीनगर की गली नंबर 2 में मिलने को बुलाया। इसके बाद उसका पता नहीं चल रहा था। जांच करने पर घटनास्थल के एक कैमरे में तीनों आरोपी सनी को दुपहिया वाहन पर जबरन बिठा कर ले जाते हुए दिखे। पुलिस ने CCTV फुटेज मिलने के बाद आरोपी मोनू और ललित को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उनके मोबाइल बंद आ रहे थे। पुलिस ने उनके संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन सनी का पता नहीं चल रहा था। सनी अवैध शराब बिक्री से जुड़े दत्तू का भतीजा बताया जाता है। इसके साथ ही सनी द्वारा कुछ दिनों पहले आरोपियों पर हमला करने की चर्चा है। आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश में सनी का अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इस दौरान रविवार को वर्धा रोड पर रात के दौरान संदिग्ध अवस्था में 3 लोग घूमते हुए पाए गए। इसकी जानकारी मिलते ही अजनी पुलिस डीबी स्क्वाड के SI सुभाष ठाकरे ने अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आपल्याकडे हुड़केश्वर पोलीस स्टेशनला अपराध क्रमांक 326/2020 दाखल आहे। त्यामधील पीडित ज्याला अपहरण झालं त्याचं नाव सनी जांगीड असून त्याला 3 आरोपींनी मिळून त्याचं किडनॅपिंग केलं होतं। त्या आरोपींची नावे प्रशील जाधव, ललित रेवरकर आणि आकाश शेवारे ही होती। त्यांनी त्याला घेऊन गेले आणि त्यानंतर डुंडा मारुतीच्या परिसरात त्याची हत्या केली आहे। आपण सर्व आरोपींना पकडण्यात आलं आहे। या मागील वाद पूर्वीचे भांडणं या कारणावरून सदरू प्रकार केल्याचे सध्या तरी निष्पन्न झाले आहे। पुढील तपास सुरू आहे। यातील मयत होता त्याच्यावर देखील आपराधिक रेकॉर्ड आहे आणि जे आरोपी आहे त्यांच्या देखील आपराधिक रेकॉर्ड आहे। त्यांच्यात यापूर्वी थोडा भांडण झाले होते, त्या संदर्भात काही गुन्हे दाखल आहे पोलीस स्टेशनला, त्यानुसार पुढील तपास सुरू आहे।